नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी हमारे पास कमेंट आता है उस पर मैं वीडियो डालता हूं। तो आज भी सौरभ जी कमेंट किए हैं कि सर, टाटा इंडिका में सस्पेंसर के चेंज करवाने में कितना खर्चा पड़ता है और एलिमेंट कैसे सेट करें। तो चलिए पहले जानते हैं एलिमेंट होता क्या है और एलिमेंट को सेट कैसे करते हैं। तो कई लोग तो दोस्तों एलिमेंट नहीं जानते हैं कि एलिमेंट है क्या, और सस्पेंसर भी बहुत कॉमन लोग जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सस्पेंसर बारे में और एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट में कैसे सेट करें और सस्पेंसर में कितना खर्चा पड़ता है। तो वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि सस्पेंसर और एलिमेंट में कैसे सेट करें और कितना खर्चा पड़ता है। तो चलिए टाटा इंडिका गाड़ी के पास चलते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं टाटा इंडिका गाड़ी के पास। तो देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं टाटा इंडिका V2 मॉडल है और मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। तो एलिमेंट इसका होता है कभी काल ढीला हो जाता है, तो इसमें दो नट रहता है कसने के लिए। तो एलिमेंट अगर धीरा हो जा रही है तो आपका गाड़ी कपलिंग करेगी, ये दिक्कत है। तो आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट अगर ढीला हो जा रही है तो गाड़ी आपका जो आगे वाला चक्का है वो कपलिंग करेगी। तो आपका जो कपलिंग करेगी तो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रास्ता पर जा रहे हैं 40-50 की स्पीड में जा रहे हैं, उसमें कपलिंग करेगी तो गाड़ी लड़ने का चांस ज़्यादा रहती है, एलिमेंट वगैरह खुल जाता है। तो क्या होती है कि एलिमेंट सेट कैसे करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एलिमेंट सेट कैसे करते हैं। तो चलिए दिखा दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हमको एक धागा की ज़रूरत पड़ेगा, आप देख सकते हैं ये मेरा धागा है, और एक ईंट की ज़रूरत पड़ेगा। एक यहाँ पर ईंट रखिए और आपको दिखा दे रहा हूँ धागा के माध्यम से, और एक यहाँ पर ईंट रखिए ऐसे। पिछले वाला जो चक्का है इसमें आपको ये जो धागा है आपको टच रहना चाहिए, यहाँ पर टच रहना चाहिए, यहाँ पर अपना धागा टच रहेगा और यहाँ पर टच रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टच रहेगा, ये आप देख सकते हैं ये मेरा धागा है। देखिए आप, हम धागा लगाए हैं इसको एलिमेंट को चेक करने के लिए कि एलिमेंट चक्का जो है ये सीधा है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपना जो चक्का है इसको सीधा करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि चक्का सीधा है, ठीक। तो एलिमेंट को चेक कैसे करें कि ये एलिमेंट ख़राब हो गया है या ढीला हो गया है या टाइट है या मतलब सही है, इस वीडियो में जानते हैं एलिमेंट को चेक कैसे करते हैं कि मतलब एलिमेंट हमारा ठीक ठाक है कि नहीं है, कि ढीला हो गया है कि टाइट है, ठीक। और इसमें सस्पेंसर का भी खर्चा जान सकते हैं कि मतलब सस्पेंसर बनता कितना में है और सस्पेंसर में क्या क्या बदलवाना पड़ता है और कितना चार्ज लगता है बदलवाने का, जो मिस्त्री का चार्ज है और इसमें कितना खर्चा पड़ता है सस्पेंसर में, इस वीडियो में वो भी मैं बता दूँगा। तो चलिए इसको एलिमेंट को पहले चेक करते हैं कि एलिमेंट हमारा सीधा है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग के पास चलना है। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, ठीक, स्टीयरिंग है ये अपना, और यहाँ पर स्टीयरिंग सबसे पहले अपना सीधा रहना चाहिए। तो सीधा कैसे मालूम चले, सबसे पहले ये दिक्कत तो है ना कि सीधा कैसे मालूम चलेगा कि हमारा स्टीयरिंग सीधा है, ठीक। तो इसमें क्या होती है, ये जो आपका देख रहे हैं ये बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों आप देख सकते हैं, ये वाला और ये वाली, ये दोनों आपका इधर मतलब थोड़ा भी डैमेज नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट एकदम दोनों कितना अच्छा तरह से फिट हो गया है, ठीक। इस मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इधर भी और इधर भी आपका बराबर है। ये दो स्टीयरिंग वाला जो हैंडल होती है इसको बराबर रहना पड़ेगा, ये देख सकते हैं मेरा ये थोड़ा सा कटा है, इसमें इसको ऐसा सीधा कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा डेफिनेटली पूरा सीधा हो गया, ठीक। अब इसको सीधा कर लिए हम, अब आते हैं चक्का के पास। यहाँ पर देख सकते हैं कि चक्का आपका कोई डैमेज तो नहीं है इधर उधर, मतलब इधर बाहर तो नहीं निकला है या अंदर तो नहीं गया है, इसको पहले चेक करिए, ठीक। तो इसको चेक करने के लिए हमको एक रस्सी की ज़रूरत पड़ेगा, जो देख सकते हैं गिट्टिस वाला जो ढग्गा है ये आपका घर मिल जाएगा, इससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि एलिमेंट हमारा ढीला है या टाइट है या सेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक आप बताइए दिया हूँ कि आपको एक ईंट वहाँ पर रखना पड़ेगा, एक खड़ा करके ईंट यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर लकड़ी का खम्मा भी हला सकते हैं, लेकिन हमारे पास लकड़ी खम्मा नहीं हलाएं, ईंट का मदद लिए हैं। एक ईंट रख लीजिए, एक ढेर ऊपर से एक छोटा सा ईंट बांध के इसे रस्सी में टाइट कर दीजिए, और एक यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसको उठाकर इस पर रखना है, ठीक, ऐसे ऐसे इसको उठाकर रख देना है, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा धागा है यहाँ पे चिपक गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो धागा है यहाँ पर भी आपका चिपका है, ये दोनों तरफ से चिपका रहना चाहिए। दोनों तरफ से चिपका रहेगा तो ये बॉडी में, ये जो बॉडी है
इस बॉडी में आपका चिपका रहेगा तो मालूम चल जाएगा एलिमेंट सीधा है कि नहीं। पीछे एलिमेंट जो होती है इसको सेट करने का कोई मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ये आगे वाला जो चक्का होती है ये जहाँ लेकर जाएगा वहाँ पीछे वाला चक्का जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट हमारा आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको नापते हैं, आपको इंची टेप के हल्का सा ज़रूरत पड़ेगा, तो इंची टेप अगर नहीं रह रहा है तब भी आप लकड़ी के माध्यम से कर सकते हैं, कोई भी एक छोटा सा लकड़ी रहेगा उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टीयरिंग के थोड़ा देखिए, स्टीयरिंग हमारा कटा है, ये स्टीयरिंग थोड़ा अंदर पाया गया है, ये वाला स्टीयरिंग इधर चक्का इधर गया है ठीक। तो इसको हल्का सा इधर करता है पहले, उसके पास मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए हमारा हो गया, ये भी हमारा लगभग हो गया। तो इसको भी आप सेट कर लें, और यहाँ पर नाप के देखते हैं कि एलिमेंट हमारा सीधा है या नहीं है। तो चलिए इसको नापते हैं। तो एक छोटा सा लकड़ी ले रहे हैं, ये दीजिए, तो एक लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंच टेप रहेगा तो और बेहतर रहेगा, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल में इंच टेप नहीं है। तो यहाँ पर नाप लीजिए और कितना बराबर हो रहा है ठीक। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी सही है, मतलब हमारा एलिमेंट सीधा है। यहाँ पर रस्सी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंच का यहाँ पर गैप है, आप देख सकते हैं एक इंच का यहाँ पर गैप है, और जो यहाँ पर होती है यहाँ पर भी एक इंच का गैप है, मतलब हमारा चक्का सीधा है, एलिमेंट हमारा सही है। इसको यही प्रोसेस होता है, यहाँ रस्सी आप लगा कर चेक कर सकते हैं, इंची टेप से नाप सकते हैं। यहाँ पर आपको नापना है और यहाँ पर नापना है, दोनों जगह आप नाप कर मालूम चल जाएगा कि चक्का आपका सही है, एलिमेंट आपका मतलब कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट आपका पूरा अच्छा तरह से सेट है। तो चलिए एलिमेंट को टाइट और ढीला कैसे करते हैं वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो रस्सी है इसको आप नीचे कर लीजिए ऐसा, और उसके बाद स्टीयरिंग जो है इसको काटिए, देखिए कैसे काट रहा हूँ आप देख सकते हैं। देखिए चलो यार स्टीयरिंग इसको काटो, बहुत टाइट है यार, जो स्टीयरिंग है वो सादा है इसकी वजह से थोड़ा टाइट है और चालू भी नहीं है, इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक में यही दिक्कत होती है कि अगर आपकी गाड़ी बंद है तो स्टीयरिंग बहुत टाइट करता है, और काटो, और ये चालू रहता तो स्टीयरिंग बहुत स्लोली कट जाता, और काटो, नहीं और होगा देखिए, लास्ट हमारा हो गया, लास्ट पोजीशन हो गया। अब यहाँ से आपको स्टेपनी की ज़रूरत पड़ेगा, एक स्टेपनी यहाँ पर लगा कर चक्का अपना उठा सकते हैं, यहाँ पर चक्का अपना उठाकर यहाँ से स्टीयरिंग का टाइट करने वाला सिस्टम यहाँ पर होती है, देख लीजिए आपको तो क्लियरली आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। यहाँ पर देखिए ये नट होती है, इस नट को आपको खोलना पड़ेगा, ये देखिए जो पाइप है ना, ये पाइप को इसी पाइप में स्टीयरिंग वाला जो अलाइबल होती है इसी को खोलकर आप अंदर करेंगे, ऐसे करेंगे तो चक्का आपका अंदर पाया जाएगा, अगर इसको खोल के बाहर कर रहे हैं तो बाहर आएगा। तो ये ज़्यादा कोई फर्क नहीं होती है, ये कभी आपका अंदर रहेगा तो ये आपका यहाँ से अगर अंदर रह रहा है तो यहाँ पर नट आपको नट खोल कर अंदर कर लेना है। यही जो एलिमेंट वाला नट होती है, एलिमेंट को सेट कैसे करते हैं, यही एलिमेंट वाला नट होती है, तो इसको आप घटा बढ़ा सके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको खोल कर इधर करेंगे तो इधर आपका जाएगा, तो चक्का आपका सीधा, यही से मतलब खोल के मतलब सेट कर सकते हैं ठीक। तो चलिए अब मैं आपको सस्पेंसर बता दे रहा हूँ, इसमें सस्पेंसर देखिए, सस्पेंसर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सस्पेंसर का काम जो होती है, यहाँ से सस्पेंसर भी लगा रहता है, देख लीजिए आप, ये जो आपका देख रहे हैं ये सस्पेंसर है ठीक, इसी को सस्पेंसर भी बोलते हैं, ये भी आपका सस्पेंसर है। और यहाँ पे जो ये साकर होती है ये भी आपका ख़राब होने का चांस होता है, तो इसको भी बदलवाइए, और ये जो सस्पेंसर है यही सस्पेंसर है, ये अंदर से नट यही सस्पेंसर का काम होता है, और यहाँ पर भी काम है। तो देखिए इसमें क्या होती है, आप सस्पेंसर का काम करवा रहे हैं तो लगभग आपका 1200 रुपये खर्चा पड़ जाएगा, केवल सस्पेंसर का रेट बता रहा हूँ,
इसमें सस्पेंसर का काम करवाएंगे तो आपका 1200 रुपया पड़ जाएगा, और उसमें मजदूरी चार्ज ज़्यादा नहीं पड़ता है, 300-400 रुपया आसपास में पड़ेगा। लमसम मार के चलिए 1500 रुपया आपके पास है तो सस्पेंसर का काम आपका पूरा हो जाएगा, दोनों चक्का का। यहाँ पे भी चक्का है, यहाँ पे भी सस्पेंसर का काम हो जाएगा, और देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका सस्पेंसर का काम आसानी से हो जाएगा। ये देख लीजिए, यही हमारा सस्पेंसर होती है, ये देख लीजिए, ये नीचे का जो कैंची बोलते हैं इसको, ठीक, इसको आप कैंची बोल सकते हैं, सस्पेंसर भी बोल सकते हैं, इसको कैंची बोलते हैं, ठीक। यही हमारा है सस्पेंसर वाला काम, और ये भी स्टेयरिंग वाला है, ये जो हमारा स्टेयरिंग है ये हमारा सस्पेंसर है, आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा सस्पेंसर वाला काम है, ठीक। यही ख़राब होता है तो इसमें आवाज़ आती है, ज़्यादा आवाज़ आती है, आप देख सकते हैं पूरा अंदर से आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ से देखिए, ये जो सस्पेंसर होती है यहाँ से रबड़ लगी रहती है, यहाँ पर रबड़ लगे रहते हैं, ये रबड़ आपका ख़राब हो जाएगा तो क्या होता है, गड्ढे में जब आपका गाड़ी पड़ेगा तो उसमें खट खट की आवाज़ आएगी, यही ज़्यादा ख़राब होता है। ये सस्पेंसर वाला हमारा काम है, ये देखिए आप हमारा नट ढीला हो गया, देख रहे हैं नट ढीला हो गया, यही जब गाड़ी अंदर गड्ढे में गिरती है तो खट खट सी आवाज़ आती है, तो इसको आप चेंज करवाएंगे तो आपका 1500 रुपया जेब में है, तो 1500 रुपये में आपका पूरा काम हो जाएगा, इसमें मिस्त्री चार्ज सब हो जाएगा, उसमें ये वाला कैंची जो है इसको बदलवाना पड़ता है, आप देख सकें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो का आपको समझ में आ गए, और सौरभ जी आपको पूरा अच्छा तरह से समझा दिया हूँ, आप समझ गए हैं, और एलआई बिल होती है, एलआई बिल भी आपको समझा दिया हूँ पूरा डिफिनेटली अच्छा तरह से। अगर एलआई बिल आपका थोड़ा शक लग रहा है कि एलआई बिल हमारा टेढ़ है, तो इसको आसानी से अपने घर पर ही टाइट करके देख सकते हैं, दोनों चक्कर में रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत।